हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम एमडी समी है। ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, फोक डांसेस ऑफ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन चार राज्यों के फोक डांस को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये हमारे सीरीज का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बच्चों फोक डांस के बारे में जान लेते हैं। फोक डांसेस आर नॉट प्रोफेशनल डांसेस एंड देयर ओरिजिनेटर्स आर नॉट नोन बाय एनीवन। इन लोगों का जो खोज है वो किसी को नहीं पता है। एंड दिस डांस फॉर्म्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय लर्निंग फ्रॉम एल्डर्स से सीख के ये डांस फॉर्म किए जाते हैं। एंड दे डिपेंड ऑन कम्युनिटी एंड पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन स्पेसिफिक। कम्युनिटी डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग ये डांस फॉर्म करते हैं, तो ये कम्युनिटी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले स्टेट पर आते हैं। जो पहला स्टेट है वो राजस्थान। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो श्री अशोक गहलोत, और यहाँ का जो कैपिटल है जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डांस फॉर्म जो है यहाँ के, वो पहला जो डांस फॉर्म है घूमर, कालबेलिया, तिरह ताली, कच्ची घोड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, चरी, गैर, कठपुतली, भवई, नेजा, झूमा, घपल, सुईसुनी एंड झूलन लीला। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले डांस फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डांस फॉर्म में पहला घूमर, जो कि वुमेंस के द्वारा किया जाता है, भील ट्राइब ऑफ उदयपुर। ये जो डांस फॉर्म है वो जनरली उदयपुर से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ की जो वुमेंस है वो डांस फॉर्म करती हैं, आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगला डांस फॉर्म है फ्रेंड्स कालबेलिया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है। घूमर एंड कालबेलिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज रजिस्टर्ड इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। हिंदी के बच्चों के लिए हमने हिंदी में लिखा हुआ है, मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी वुमेंस के द्वारा किया जाता है। मैंने जो सरपेंट्स होते हैं, इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है बीन के धुन पे किया जाता है। ये जैसलमेर जो राजस्थान का हमारा सिटी है, वहाँ से ये इवॉल्व हुआ है, और ये पूरे स्नेक के मूवमेंट्स के थ्रू ये सारा डांस किया जाता है। अगला डांस फॉर्म है फ्रेंड्स तिरह ताली, ये जो कमार ट्राइब है इनके द्वारा किया जाता है। ये मेनली स्नेक चार्मर्स होते हैं, ये नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है फ्रेंड्स। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें 13 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ये वुमेंस जो है अपने बॉडी पे मंजीरे को बांध के ये डांस फॉर्म करती हैं। आप देखिए यहाँ पिक्चर में, सर पे ब्रास के लोटे रख के ये बैलेंसिंग करके डांस फॉर्म को पूरा करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला डांस फॉर्म है कच्ची घोड़ी, जो कि डमी हॉर्सेस के थ्रू किया जाता है। दिखा ये चीज़ ये सिंपलाइज करता है जो हमारे राजा थे महाराणा प्रताप सिंह, उनका जो घोड़ा था चेतक, सवारी थी उनकी, उनका ये प्रतीक है, उसी को ये ध्यान में रख के। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुली ये डांस फॉर्म किया जाता है विथ अ कॉस्ट्यूम। अगला डांस फॉर्म है फ्रेंड्स चरी। चरी डांस फॉर्म जो है वो गुज्जर कम्युनिटी द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, गुज्जर कम्युनिटी ऑफ किशनगढ़, एंड दिस डांस फॉर्म्स आर मेनली परफॉर्म बाय वुमेन्स। दिस डांस फॉर्म रिसेम्बल दैट दे कलेक्ट वाटर फ्रॉम फार गोइंग एंड फॉर देयर फैमिली वेलफेयर एंड टू रिफ्लेक्ट द जॉय ऑफ दिस चरी डांस दे परफॉर्म दिस डांस ऑन अ टेम्पल। मतलब कहने का फ्रेंड्स, ये जो वहाँ पे पानी की कमी है राजस्थान में, बहुत दूर जाती हैं औरतें, उस चीज़ को रिसेम्बल करता है। ठीक है, तो ये अपने खुशी को जाहिर करती हैं, ये डांस फॉर्म करती हैं। अगला डांस फॉर्म है फ्रेंड्स गैर, ये भी भील ट्राइब के द्वारा किया जाता है कम्युनिटी और राजस्थान बोथ एंड मैन वुमेन के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये सैनिक का ड्रेसअप करके पूरा, हाथ में स्टिक और पीठ पे शील्ड लिए हुए ये डांस फॉर्म पूरा करते हैं सारे लोग। ठीक है, मैन एंड वुमेन बोथ। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज कठपुतली। नेक्स्ट कठपुतली डांस फॉर्म, कठ मीन्स लकड़ी, पुतली मीन्स पुतला। तो लकड़ी की जो है वो डॉल्स बना के ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज को
बताने के लिए ये डांस फॉर्म पूरा परफॉर्म किया जाता है, स्ट्रिंग्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एंशियंट हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उसको बताने के लिए कि वहाँ के उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, ये सारा यहाँ पे डिपिक्शन होता है यहाँ पे डांस के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अगला डांस फॉर्म है भवई। भवई डांस फॉर्म में ये मेनली जो डांस फॉर्म है ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब इस डांस फॉर्म विवाद है। ये डांस फॉर्म आपको राजस्थान में भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ राजस्थानी लोग बोलते हैं कि ये डांस फॉर्म हमारा है, गुजराती लोग बोलते हैं ये हमारा है, तो ये दोनों स्टेट्स में ये डांस किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेनली ये जो है वुमेन जो है 7 या फिर 8 मटके को हेड पे बैलेंस करके बहुत ही स्किलफुली ये डांस परफॉर्म करते हैं, और इनके पैरों के जो पैर जो है इसका वो रेस्ट होता है ग्लास पे या फिर एज ऑफ सॉर्ड यानी कि तलवार के धार पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डांस फॉर्म इज नेजा। नेजा ये पूरी म्यूजिकल गेम डांस है। इसमें क्या है कि एक पिलर पे कोकोनट को बांध दिया जाता है और मैन जो है वो उस कोकोनट को वहाँ से लाने की कोशिश करता है, और वुमेन जो है वो अपने हाथ में स्टिक या चाबुक पकड़े रहती हैं, और जब मैन जो है वो कोकोनट को वहाँ पे चढ़ने के लिए लाने के लिए चढ़ता है तो उसको मार के नीचे उतार देती हैं। तो ये पूरा डांस फॉर्म किया जाता है इस ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला डांस फॉर्म है झूमा, घपल, सुइसुनी एंड झूलन लीला। तो ये सारे डांस फॉर्म इसी पे डिपेंडेंट है, राजस्थान के डांस फॉर्म्स। चलिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का टेक्निक हम लोग जान लेते हैं। एक चीज़ आप लोग देखिए इसमें, इस डांस फॉर्म में घूमर कालबेलिया आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिस इज अ वेरी डांस फॉर्म राजस्थान। ये सभी लोगों को पता है कि घूमर डांस जो है वो राजस्थान का डांस फॉर्म है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, और कालबेलिया। बाकी डांस फॉर्म का ट्रिक हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। दिस तो सी ईयर राजस्थान में आपसी प्रेम बहुत है, कोई भी आता है तो उसको गैर नहीं समझते हैं यहाँ के लोग, तो गैर से गैर डांस हो गया। यहाँ के लोग भाव नहीं खाते हैं तो भाव से भवई हो गया। यहाँ लहंगा बहुत फेमस है राजस्थान का, तो लहंगा में घेराव होते हैं, बहुत बड़े बड़े घेराव होते हैं, तो घेराव से घूमर हो गया। यहाँ के लोग कोई भी तेरा मेरा नहीं करता है तो तेरह ताली हो गया। पानी भरने के लिए चरी लेके यानी कि मटका चरी लेके दूर जाना पड़ता है, तो चरी से चरी डांस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले स्लाइड स्टेट पे आते हैं हम लोग फ्रेंड्स। गुजरात जो कि यहाँ का कैपिटल गांधीनगर है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री विजय रामनिक लाल रूपानी, यहाँ का जो डांस फॉर्म है फ्रेंड्स, डांस फॉर्म देखिए आप, गरबा जो बहुत ही फेमस है एंड डांडिया। ये सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि पे गरबा भी किया जाता है और डांडिया रास भी किया जाता है। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज तिप्पानी। ठीक है फ्रेंड्स, भवई हुडो, भवई एंड हुडो। ठीक है फ्रेंड्स, भवई देखा आपने यहाँ पे गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं हम लोग पहले डांस फॉर्म पे। गरबा जो है फ्रेंड्स नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है, जो कि शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी या होली के टाइम पे भी किया जाता है, किसी भी फेस्टिवल पे। इसका जो ओरिजिनेटिंग है गरबा मीन्स रेफर्स टू अ गर्भदीप। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गरबा का जो स्पेलिंग है यह मिस्टेक है, आप लोग इसको सही करेक्ट कर लीजिएगा, गरबा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, गरबा। ठीक है, मेनली जो है गर्भदीप यानी कि मिट्टी का बर्तन जिसमें होल्स होते हैं, ठीक है, मिट्टी का घड़ा जिसमें होल्स होते हैं, उसमें आग को जला के वुमेन्स जो है ये डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं पहले के टाइम पे, तो उसी का ये रिसेम्बलेंस है यानी कि प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भगवान के आसपास इर्द गिर्द पूरा घेराव गोला बना के और बहुत ही ब्यूटीफुली परफॉर्म करते हैं ये डांस। ठीक है, नेक्स्ट डांस फॉर्म इज डांडिया रास। डांडिया रास जो है वो हाथों में 2 स्टिक लेके कृष्ण की रास लीला को बताने के लिए, एंड मेनली दुर्गा माता ने जो महिषासुर का संहार किया था उस चीज़ को याद में ये डांस फॉर्म किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डांस फॉर्म इज तिप्पानी। तिप्पानी जो है ये वेस्ट मतलब गुजरात के वेस्ट में किया जाता है। ठीक है, पश्चिम मेनली जो है इसका जो और एक नाम है वो है मटला डांस भी कहते हैं इसको। जो गर्ल्स है यहाँ पे घाघरा चोली पहन के होली या दिवाली के टाइम पे या वेडिंग सेरेमनीज पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा डांस फॉर्म है भवई, भवई देखा आपने यहाँ पे, ठीक है। मेनली ये मटका बैलेंसिंग डांस फॉर्म है, ये पूरा आर्ट जो है वो मटके को बैलेंस करने का आर्ट है, बहुत ही स्किल चाहिए होता है इसके लिए। एक लेडीज़ है यहाँ पे जो भगवान का जो टोली है यहाँ पे पूरा घर बना हुआ है, हेड पे लिए हुए हैं, और बाकी जो आगे जो लेडीज़ है वो सर पे मटका लेके इस डांस फॉर्म का जो मेनली जो ओरिजिनेटिंग है फ्रेंड्स, भाव से लिया गया है, मीन्स फीलिंग एंड इमोशन। और ये जो डांस फॉर्म है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्या होता है कि महिलाएं जो हैं ये डांस परफॉर्म करती हैं, और जो वुमेन है सॉरी जो मैन है वो वुमेन की रोल अदा करते हैं, जो निजी ज़िंदगी में जो वुमेन्स जो काम करती हैं वो रोल अदा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डांस फॉर्म जो है हुडो, ये डांस फॉर्म भावर ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है, सेफर्ड कम्युनिटी यानी कि चरवाहा, ठीक है फ्रेंड्स, चरवाहा कम्युनिटी है जो ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें जो है ये डांस फॉर्म का जो मेन जो ये डांस फॉर्म है ये पूरा जो सिप जो है, सिप भेड़ यानी कि भेड़, ये जब फाइट करते हैं तो जिस जैसे ये मूवमेंट करते हैं ये पूरा मूवमेंट ये जो डांसर्स हैं ये सेम मूवमेंट फॉलो करते हैं, और सर पे जो है हॉर्न पहन के, ठीक है, और टकराते हैं। और ये डांस फॉर्म जो मेनली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ की जो लेडीज़ है ये डांस परफॉर्म करते करते अपने हस्बैंड को भी सेलेक्ट करती हैं डांस फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसको याद रिमेंबर करने का टेक्निक हम लोग समझ लेते हैं। गुजराती लोग जो है वो बिजनेसमैन होते हैं, गुजराती लोग बिजनेसमैन, अधिकतर जो वहाँ के लोग होते हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर टिपना हो यानी कि कॉपी करना हो, तो हम लोगों ने टिपना वर्ड लिया यहाँ पे, अगर टिपना हो तो हुड पहन लो, तो टिपना से टिपानी हो गया, हुड से हुडो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये गरबा जो है ये डांस फॉर्म आपको मुंह पे याद होना चाहिए, गरबा, डांडिया रास, और टिपानी का तो हमने बता ही दिया फ्रेंड्स। अब भवई जो है वो राजस्थान के टेक्निक में आपको मिल जाएगा याद करने के लिए, दोनों का सेम है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसका कैपिटल भोपाल है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो डांस फॉर्म है फ्रेंड्स, पहला है ज्वारा, मटकी, फूल पत्ती, गिरिदा, चारकुला, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले डांस फॉर्म पे आते हैं फ्रेंड्स, ज्वारा। ज्वारा जो है फ्रेंड्स, ज्वार जो है, ज्वार इसकी खेती की जाती है बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है। और ये डांस फॉर्म है, यहाँ पे जो मेन है वो फ्रंट लाइन में होती हैं, और वुमेन्स जो हैं वो पीछे की लाइन में लकड़ी का बास्केट लेके सर पे रखती हैं और उसमें ज्वार भर के रखती हैं। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये डांस फॉर्म परफॉर्म किया जाता है खुशी में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डांस फॉर्म जो है मटकी, मटकी जो है ये इसमें वुमेन्स सोलो डांस है, ये अकेले किया जाता है, वुमेन्स के द्वारा अकेली करती हैं, सर पे पॉट को बैलेंस करती हैं, ये अलग अलग फेस्टिवल्स में, वेडिंग्स में ये डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं। इसके दो वेरिएंट्स हैं, आढ़ा नाच, काढ़ा नाच, परफॉर्म्ड इन मालवा रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज फूल पत्ती, ये मालवा रीजन्स की अनमैरिड गर्ल्स यानी कि बच्चियाँ करती हैं होली के टाइम पे। ये देखिए आप यहाँ पे, इस पिक्चर में देखिए आप यहाँ पे जो गर्ल्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये डांस फॉर्म कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, और जो यहाँ पे बॉय है वो ढोल बजा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट डांस फॉर्म पे आते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट डांस फॉर्म जो है गिरिदा, ये गांव वाले जो हैं अपने खुशी को जाहिर करने के लिए, अपने स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से बाहर निकलने के लिए दिन से रात पूरा परफॉर्म करते हैं, और इस बात का ये शपथ लेते हैं कि ऐसे ही अगले साल मिलेंगे, ये डांस करेंगे और पूरा एंजॉय करते हैं ये मोमेंट को। इसमें तीन फेज होता है, सेला, सेला लारिका एंड सेलाब धोनी, ठीक है, तीन फेज ये डांस फॉर्म टोटली परफॉर्म होता है। पहला जो स्टेज है रिलैक्स्ड एंड टॉन्ट फुट मूवमेंट, आराम और तना हुआ पैर हिलाते हैं, एंड द नेक्स्ट इन नेक्स्ट स्टेज दे हाई अप देयर पीस एंड एंजॉय फुली, एंड द थर्ड स्टेप व्हेन ही गोज टू थर्ड स्टेज दे वेरी एनर्जेटिकली एंड फोर्सफुली मूव देयर हैंड्स एंड लेग्स, अपने हाथ और पैर को बहुत ही फोर्सफुली और एक रिदम में मिला के पूरा ये, ठीक है फ्रेंड्स, डांस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डांस फॉर्म इज चारकुला,
ये चारकोला जो डांस फॉर्म है फ्रेंड्स, ये यूपी ब्रज रीजन में फेमस है, ये एमपी से सटा हुआ है वहाँ का जो रीजन है, तो एमपी के लोग भी ये डांस फॉर्म करते हैं, वहाँ भी फेमस है ये डांस फॉर्म। ये वुमेंस के द्वारा किया जाता है, अपने सर पे ये लकड़ी का जो है पिरामिड बना हुआ है, इसमें 108 दिए रखे हुए हैं और अपने सर पे रख के ये बैलेंस करते हुए पूरा डांस फॉर्म करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हेड पे जो है ये पूरे जो दिया लिया हुआ है इन्होंने लकड़ी का पिरामिड पे 108 दिए रखे हुए हैं और ये डांस पूरा परफॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका याद करने का टेक्निक समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ज्वारा किसान से जुड़ा हुआ है, तो ज्वार की खेती होती है तो ज्वार से ज्वारा आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ज्वार से ज्वारा आ गया। अगर ज्वार बोना है तो मटकी से पानी भरना होगा, तो मटकी से मटकी आ गया फ्रेंड्स। वो भी चार मटकी से पानी भरना होगा, तो चार से चारकुला हो गया। मटकी में फूल पत्ती बनी होती है, तो फूल पत्ती से फूल पत्ती डांस हो गया। मटकी को बैलेंस करने के लिए गर्दन बैलेंस करना होता है, तो गर्दन से गिरदा आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हम नेक्स्ट स्टेट पे। हमारा नेक्स्ट स्टेट जो है छत्तीसगढ़, यहाँ कैपिटल है रायपुर और चीफ मिनिस्टर जो है श्री भूपेश बघेल। यहाँ का जो डांस फॉर्म है गौर मारिया, रॉट नाच, पंथी एंड सेला सुआ एंड गेंडी। ठीक है फ्रेंड्स, सेला सुआ एंड गेंडी। तो पहले डांस फॉर्म पे आते हैं हम लोग, गौर मारिया। ये जो है गौर को मार के, गौर यानी कि इंडियन बाइसन, बास्तर डिस्ट्रिक्ट के मैन एंड वुमेन जो हैं ये परफॉर्म करते हैं। और वुमेन जो यहाँ के मैन है, मैन जो है वो बाइसन का हॉर्न सर पे लगा के और वुमेन साथ में और हाथ में ढोलक लिए हुए ये डांस परफॉर्म करते हैं हार्वेस्ट के टाइम पे, ब्लेसिंग लेने के लिए भगवान से, ताकि नेक्स्ट क्रॉप अच्छी हो, अन्नपूर्णा भगवान से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पूरा डांस फॉर्म है मेन जो है मारिया ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। ये जो सारे जो बिलोंग करते हैं मारिया ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और जो डांस फॉर्म मूवमेंट होता है टोटली डिपेंड होता है बाइसन जैसे ये मूवमेंट होता है। ठीक है, उसी पे डिपेंड है। नेक्स्ट डांस फॉर्म जो है फ्रेंड्स वो है रॉट नाच। ये यादव कम्युनिटी द्वारा किया जाता है दिवाली के टाइम पे। ये पूरा जो प्रतीक है रासलीला का प्रतीक है, जो कृष्ण भगवान ने रासलीला किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी का प्रतीक है ये। ये देखिए आप यहाँ पे सेंटर में राधा और कृष्ण भगवान होते हैं और सराउंडिंग सर्कल बना के गोपीज जो हैं चारों तरफ, ये अपना डेडिकेशन दिखाती हैं लॉर्ड कृष्णा के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट डांस फॉर्म जो है फ्रेंड्स वो पंथी है। ये सतनामी कम्युनिटी द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मघी पूर्णिमा के टाइम पे। ये बर्थ एनिवर्सरी जो है गुरु बाबा घासीदास, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है ये पंथी डांस। ठीक है फ्रेंड्स, पंथी डांस जो है वो मेनली उसी उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे किया जाता है जब उनका बर्थडे आता है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारा डांस फॉर्म है सेला सुआ एंड गेंडी। सेला डांस फॉर्म जो है फ्रेंड्स ये हार्वेस्ट के टाइम पे किया जाता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ये जो औरतें हैं सॉरी जो वुमेंस हैं यहाँ की, वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट की जो वुमेंस है यहाँ पे हार्वेस्टिंग के टाइम पे, ताकि जो उनकी जो क्रॉप्स है वो अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है और अच्छे से सब चीज़ होने के बाद ये खुशी जाहिर करती है अपना। सुआ डांस जो फ्रेंड्स है, अगला डांस हमारा सुआ डांस जो है ये हमारे पुराने कल्चर को दिखाता है। ये सतनामी कम्युनिटी द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बीच में बैम्बू का पॉट रख के उसके उसमें तोते को रख के और पूरे इर्द गिर्द ये डांस फॉर्म करती है। इस पिक्चर में देखिए आप, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो वुमेंस हैं अपने पीठ पे मोर का पंख लगा के, ये कॉस्ट्यूम पहन के ये डांस फॉर्म पूरा परफॉर्म करती हैं। पूरा सर्कल्स में डांस फॉर्म होता है। और नेक्स्ट डांस फॉर्म जो है फ्रेंड्स गेंडी, ये ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा किया जाता है अपने खुशी को जाहिर करने के लिए। बास्तर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं ये डांस फॉर्म करते हैं वहाँ के कम्युनिटी के लोग। ठीक है, दो स्टिक लेते हैं और उस पर खड़े होके ये पूरा डांस फॉर्म परफॉर्म होता है। देखिए आप गेंडी डांस फॉर्म जो है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका डांस फॉर्म को याद रखने का टेक्निक समझ लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ से एक नंबर निकल के आता है 36, तो छत्तीसगढ़ को मार के सर पे पहनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ को मार के सर पे पहनते हैं, तो गौर से गौर मारिया हो गया। रात में मारे, दिन में नहीं मारे ताकि कोई डर ना जाए देख के, तो रात में मारे तो रौत नाच।
किससे मारे? सैला सुआ गेंडी से। इसको आप इंस्ट्रूमेंट की तरह ले सकते हैं, सैला सुआ गेंडी को, ठीक है। तो यहाँ से सैला सुआ गेंडी डांस फॉर्म याद हो जाएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और गुरु घासीदास के नाम से नेशनल पार्क है, तो गुरु घासीदास के पंथ वाले ये डांस करते हैं, तो पंथ से पंथी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ एम डी समी।